मथुरा में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहीं शहर में जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला के समीप बलदेया में शोल में भारी लैंडस्लाइड में एक प्रवासी पति पत्नी दब गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही SHO ढली, प्रभारी PP मशोबरा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को मलबे से निकाल लिया है। ये दोनों ठेकेदार हरिओम शर्मा की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे थे। शिमला के मॉल रोड और संजोली में पेड़ गिरे हैं। मॉल रोड लिफ्ट के समीप मकान पर पेड़ आ गिरा। वहीं संजोली छोटा शिमला के समीप भी सड़क पर भारी भरकम पेड़ आ गया, जिससे सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं जगह जगह मलबा सड़क पर आ गया है। पेट्रोल पंप के पास काफी ज्यादा मलबा और पानी बह रहा है, जिससे छोटा शिमला से संजौली की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। भारी बारिश के नालियां भी नालों में तब्दील हो गई है। रामनगर में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। मौसम विभाग की ओर से आज बारिश को लेकर जारी किया गया था अलर्ट, और देर रात से ही बारिश शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है। उधर ISBT में रात को पहाड़ी खिसकने से बस दब गई।